एटीएम बदलकर ठगी करने वाले चार शातिर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि झारखंड और बिहार के 100 से ज्यादा ठगी की शिकायतें मिली थी, जिसके बाद से पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में थी, जिसके बाद पुलिस को आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिल गई। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक दर्जन एटीएम कार्ड, 7 लाख रुपए नकद और कारतूस के साथ हथियार बरामद किए हैं। एटीएम स्वैप के मामले में एक अंतरराज्यीय गिरोह को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है। फरवरी माह से लगभग 8 ऐसे वारदातें सरगुजा में हुई थी, जहां पे एटीएम स्वैप करके जो है विक्टिम्स का पैसा हरा गया था। इसमें 16 लोगों की एक संयुक्त टीम बनाई गई थी। फाइनली इसमें 4 लोगों को ही गिरफ्तारी की गई है टीम के द्वारा।